यूपी के चंदौली में थाना सैयद राजा पर कुख्यात 6 माह से फरार गौ तस्कर पर काल बनकर टूटी चंदौली पुलिस। वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कुख्यात गौ तस्कर अपराधी गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली चंदौली क्षेत्र अंतर्गत नवनी मोड़ पर ग्राम भगवानपुर तालाब पर रात्रि 10:30 बजे पशु तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक पशु तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी। वहीं एक पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। फरार पशु तस्करों की पहचान एवं गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आज पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर गो तस्कर जो गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त था और पिछले कई महीने से फरार चल रहा था, पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। आज इंस्पेक्टर सैयद राजा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त में मामूर थे। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दिया कि दो गो तस्कर जो है वह तस्करी कर जानवरों को पार कराने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तब तक पीछे बैठे व्यक्ति ने बताया कि भागो भागो पुलिस आ रही है, और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इंस्पेक्टर सैयद राजा ने फिर अपनी टीम के साथ पीछा करते हुए आरटी सेट से जनपद को अवगत कराया, और पीछा करते हुए इंस्पेक्टर चंदौली की टीम, दोनों टीमें संयुक्त टीमें इकट्ठा हो गई, और इसके बाद नवही मोड़ के पास में जो शातिर गो तस्कर था वो वाहन से फिसल गया और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। जवाबी फायर में, इंस्पेक्टर चंदौली के जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी है, और एक शातिर गो तस्कर जो वाहन चला रहा था वो मौके का और अधेरे का फायदा उठा के भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये शातिर गो तस्कर बिहार प्रांत का रहने वाला है, दुर्गावती थाना क्षेत्र का है। क्या कार्रवाई हो रही है आगे हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसको मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल में ले गए हैं, और बाकी जो उसका साथी फरार हो गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।